आठ हो गई क्या? हाँ तो बढ़ाओ उसको जल्दी से, फिर मेरे पास भी ऐसे ही हाल है। चलो अब आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है रिंकू जी, लाइव करो। कर दिया तो हेडिंग डाल लो आप सभी लोग, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। किसके प्रकार भाई? हाँ कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग डाल लिया आपने, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बेसिकली हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार से? तो कंप्यूटर तीन प्रकार से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अच्छे से सुनना है, उसके बाद ही लिखना है कि एक तो कंप्यूटर छोटे और बड़े होते हैं, तो उसकी साइज के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ कंप्यूटर के साइज के अनुसार। मैं आपसे एक एक से पूछूंगा भी बाद में। तो पहली बात, कंप्यूटर किसके आधार पर? आकार के आधार पर। और आकार के आधार पर देखें तो पांच प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कितने प्रकार के? किसके आधार पर? साइज के आधार पर। सबसे छोटे वाला कंप्यूटर जिसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, कौन सा कंप्यूटर है? और उससे थोड़ा सा बड़ा जिसको कहते हैं मिनी कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर से थोड़ा और बड़ा जिसको कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? मैंने मेन फ्रेम कंप्यूटर। और साइज के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है उसको कहते हैं सुपर कंप्यूटर। कितने? तो अभी चार हो गए और मैंने कितने टाइप बताए? पांच। तो बताओ पांचवा कौन सा है? हाँ एम्बेडेड कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? हाँ तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर की साइज के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के। फर्स्ट कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड मिनी कंप्यूटर। थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। फोर्थ सुपर कंप्यूटर। और फिफ्थ आपका हो गया एम्बेडेड कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? एम्बेडेड कंप्यूटर। ये तो हो गया किसके आधार पर? साइज के आधार पर। तो साइज के आधार पर अपन कंप्यूटर को जब वर्गीकृत करते हैं तो पहला जो आपका हो गया साइज के आधार पर। किसके आधार पर भाई? हाँ बेस्ड ऑन साइज। इसको हम क्या कहते हैं बोलो? बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर। दूसरा दोस्तों होता है काम के आधार पर। किसके आधार पर? काम के आधार पर, कि काम कई प्रकार के होते हैं ना। तो काम के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? काम के आधार पर कह सकते हो, एप्लीकेशन के आधार पर कह सकते हो, और मैकेनिज्म के आधार पर कह सकते हो। किसके आधार पर? हाँ तो दूसरा जो टाइप होगा वो हम कह सकते हैं काम के आधार पर। किसके आधार पर? हाँ तो इसको कहते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। किसके आधार पर? एप्लीकेशन के आधार पर। किसके आधार पर? एप्लीकेशन के आधार पर। देखते हैं तीन कौन कौन से प्रकार होते हैं। एप्लीकेशन को कहते हैं अनुप्रयोग या उपयोग। क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? अनुप्रयोग या उपयोग। या कहते हैं मैकेनिज्म। क्या कहते हैं उसको? मैकेनिज्म का मतलब होता है कार्य विधि। क्या होता है भाई? कार्य विधि के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप पेट्रोल पंप पर गए, कहां गए और क्या भरवाने गए? पेट्रोल भरवाने गए। जब आप पेट्रोल भरवाते हो तो वहां जो रीडिंग चलती रहती है मीटर में, एक तरफ दिखाता है पेट्रोल की डेंसिटी, दूसरी तरफ दिखाता है उसकी प्राइस, और तीसरी तरफ ये बताते हैं कितना पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाल दिया। तो ये जो सारा डिस्प्ले होता है आप भी देख सकते हो और पेट्रोल पंप वाला भी देख सकता है। तो पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर लगा रहता है, जो पूरी मशीन होती है जिससे पेट्रोल हमारी गाड़ी तक पहुंचता है, उसका मापन होता है, उसकी डेंसिटी का पता चलता है, एक तो वो वाला कंप्यूटर। दूसरा आप गए अपने एक्सरे करवाने, मान लो चेस्ट का या कोई भी पार्ट का, शरीर के किसी भी पार्ट का, क्या करवाने गए? तो कहां करवाते हो? हॉस्पिटल में। कौन सी मशीन से? एक्सरे मशीन, जिसको अल्ट्रासाउंड भी कहते हो क्या? ठीक है। अच्छा आपने सीटी स्कैन करवाया, आप एक्सरे ठीक हो गया, एक्सरे में मजा नहीं आया, आपको पता नहीं चला समस्या क्या है, तो आपने क्या करवाया? क्या करवाया? तो जब सीटी स्कैन करते हैं तो पूरी बॉडी को, जिस पार्ट की सीटी स्कैन करनी होती है, एक मशीन में डालते हैं, तो वो भी एक कंप्यूटर से जुड़ी होती है। बड़ी बड़ी स्क्रीन होते हैं वहां, जो डॉक्टर्स वगैरह देखते रहते हैं, फिर सिटी स्कैन करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो पेट्रोल पंप पर
जो मीटर लगा रहता है, जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, कौन सी? अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है, यानी जिसमें हमारे शरीर में कोई कमी है या नहीं है, उसके सिग्नल को पकड़ करके वो हमारे सामने प्रदर्शित करती है, या सीटी स्कैन की मशीन है, कौन सी? स्कैन, हाँ। यानी मेडिकल क्षेत्र में जितनी भी मशीनरी का यूज किया जाता है वो सारी एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर के आधार पर कार्य करते हैं, और उसको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? अच्छा, मौसम की जानकारी, आज बड़ी ठंड है ना, अभी थोड़ी देर बाद में धूप आ गई। तापमान का मापन, किसका मापन? तापमान का मापन, प्रतिरोध का मापन, जैसे जो ये लाइट है तो इसमें कितना प्रतिरोध है उसका मापन, या फिर लाइट यानी विद्युत का मापन, ऊंचाई दूरी लंबाई चौड़ाई का मापन, ये सारे जो मापन करते हैं ये कौन करते हैं? जैसे आपने सुना है मौसम विभाग वाले, कौन से? है ना, मौसम के बारे में जानकारी। तो जितनी भी एनालॉग तरंगे होती है, कौन से सिग्नल? एनालॉग सिग्नल जिन कंप्यूटर्स में इनपुट के रूप में भेजा जाता है वो कंप्यूटर कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? आपकी गाड़ी है, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी की स्पीड का पता कहां से लेगा? स्पीडोमीटर से। कहां से? स्पीडोमीटर कहां लगा रहता है भाई? गाड़ी में लगा रहता है ना। हाँ, कई बार आप देख देख के राजी रहते हो, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आप ही उड़ रहे हो, है ना, लेकिन उड़ वो बेचारा इंजन रहा है, तो वो स्पीडोमीटर। तो हमारा जो स्पीडोमीटर होता है, पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी रहती है, मीटर लगा रहता है, या जो चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन या और एमआरआई स्कैनिंग वगैरह कराते हैं, तो वो कौन से कंप्यूटर से? एनालॉग कंप्यूटर। कुछ हद तक, कंप्लीटली नहीं कह सकते अपन, लेकिन उसमें हम कह सकते हैं कि आजकल हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करने लगे। कौन से कंप्यूटर का? हाँ, तो उसकी अपन धीरे धीरे बात करेंगे। शुरुआत में जो मैंने ये बातें बताई कि एनालॉग सिग्नल को इनपुट के रूप में लेने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन हमारे पास जो कंप्यूटर, जैसे आपके पास लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, मोबाइल, इन सबके पास, अरे क्या सबके पास ही है? ये जो मोबाइल है इसको आप कहते हो डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? आपका लैपटॉप कौन सा कंप्यूटर है? जिसपे आप नोट्स बनाते हो, जिससे आप पढ़ते हो, घरों में काम लेते हो, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। यदि एनालॉग और डिजिटल को मिला दिया जाए, दोनों को एक मिक्सी में या वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाए, कौन कौन से कंप्यूटर को? और डिजिटल को कहां डाल दिया जाए? वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाए और बटन दबा दिया जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो यू कह सकते हैं हम कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो तीसरा टाइप का होता है एप्लीकेशन के आधार पर, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। उसमें एनालॉग कंप्यूटर के फीचर भी होते हैं और डिजिटल के भी। तो एनालॉग का पहला फीचर था एनालॉग सिग्नल के आधार पर कार्य करता है, और डिजिटल कंप्यूटर का फीचर था वो 0-1 यानी बाइनरी डिजिट के आधार पर कार्य करता है। तो दोनों के फीचर को मिला दिया जाए तो एक नया कंप्यूटर बनता है, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? तो बताओ जरा, आपने सबसे पहले कहा कि बेस्ड ऑन साइज कितने टाइप के? 5 टाइप के। फिर आपने कहा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कितने टाइप के? 3 टाइप के। अब जो सो तीसरी बात करेंगे अपन, बेस्ड ऑन पर्पस। तो पर्पस के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर है? उद्देश्य के आधार पर। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर? और दूसरे जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कौन से पर्पस? तो बोलो जरा, पर्पस के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हुए? कौन कौन से? जनरल पर्पस और, हाँ कौन से भाई? स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस और। अब जितने भी सामान्यतया हम लोग यूज करते हैं हमारे घरों में, हमारी ऑफिस में, या हमारे छोटे कार्यालयों में, या किसी शॉप पर, वो सारे कौन से कंप्यूटर होते हैं? जनरल पर्पस। नोट्स बनाना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, एप्लीकेशन तैयार करना, लेटर तैयार करना, ऑनलाइन क्लास अब लोग पढ़ते हैं मोबाइल, ये सारे कौन से कंप्यूटर? ये काम तो बहुत सारे करते हैं जनरल पर्पस, लेकिन इनकी गति कम होती है। स्पीड क्या होती है? हाँ, ये कोई विशेष कार्य को नहीं कर सकते। मान लो आपने इन कंप्यूटर्स को कहा कि चलो ऐसा करो, एक मिसाइल बनाइए, उसका प्रक्षेपण करना है, करेंगे क्या? नहीं। तो ऐसे कंप्यूटर जो स्पेशली किसी एक या दो कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। वो कंप्यूटर होते हैं जो स्पेशली किसी एक या दो कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मान लो हमारा डीआरडीओ है और हमारा जो इसरो है, कौन सा है?
जो हमारी स्पेस एजेंसी है वो अंतरिक्ष में क्या छोड़ते हैं? अरे क्या छोड़ते हैं अंतरिक्ष में? क्या छोड़ते हैं? अरे डीआरडीओ मिसाइल छोड़ता है। अच्छा इसरो क्या छोड़ता है? आपने छोटा कृत्रिम उपग्रह, कौन से उपग्रह या फिर अंतरिक्ष के अध्ययन? तो जब वो कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए कोई भी प्रक्षेपण करता है तो उनके पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं? जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। कौन से उद्देश्य के लिए? अच्छा मैं छोटा एग्जांपल दो स्पेशल पर्पस, मान लो बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें फायर से मतलब आग से बचने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया हुआ। क्या लगाया हुआ? कौन सा सिस्टम? अच्छा फायर सेफ्टी क्या करेगा, कहीं भी धुआं या आग का संकेत मिलेगा तो एक सेकंड में अलार्म बजा देगा। क्या कर देगा? है ना, और आग बुझाने वाले तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और कुछ फायर इक्विपमेंट ऑटोमेटिक है वो खुद एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो जो आपका कंप्यूटर हुआ वो कौन से पर्पज का हुआ? स्पेशल पर्पज। तो बताओ जरा कंप्यूटर को बेसिकली जब हम बांटे मोटे मोटे तौर पर तो कितने टाइप से बांटे जा सकते हैं बोलो? सबसे पहले किसके आधार पर? साइज के आधार पर। किसके आधार पर है? आकार के आधार पर। दूसरा जो आपका किसके आधार पर है? एप्लीकेशन यानी मैकेनिज्म के आधार पर। किसके आधार पर है? और तीसरा आपका किसके आधार पर है? पर्पस के आधार पर। तो फटाफट लिखो, फिर एक एक को लिखेंगे। हाँ लिखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। हाँ लिखो, कंप्यूटर मुख्य रूप से तीन टाइप से विभाजित किए जा सकते हैं। पहला लिखो आकार, आकार ओब्लिक कार्य क्षमता के आधार पर, आकार ओब्लिक कार्य क्षमता के आधार पर। अंग्रेजी में क्या लिखोगे? बेस्ड ऑन साइज एंड वर्किंग कैपेसिटी, बेस्ड ऑन साइज एंड वर्किंग कैपेसिटी। तो बोलो क्या लिखा आपने? सबसे पहले कौन सा लिखा भाई? अरे आकार या फिर कार्य क्षमता के आधार पर। अंग्रेजी में क्या कहोगे? बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन साइज में आपने कितने टाइप के कंप्यूटर की बात की थी? हाँ, तो इसमें छोटा छोटा मेंशन कर लो, फिर डिटेल में बात करेंगे। तो लिखो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर कॉमा मिनी कंप्यूटर कॉमा मेन फ्रेम कंप्यूटर कॉमा सुपर कंप्यूटर। माइक्रो मिनी मेन फ्रेम कॉमा सुपर कंप्यूटर। तो पांचवा टाइप होगा वो कौन सा होगा? एम्बेडेड। EMBEDDED एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? तो बताइए जरा, साइज यानी वर्किंग क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर। क्लियर है बात? चलिए अब दूसरा लिखिए, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। लिखो जरा दूसरा बिंदु, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? हाँ अपने बात की थी ना, मोटे मोटे तौर पर कितने रूपों में बांटा जा सकता है? तीन में। तो दूसरा क्या लिख रहे हो आप? बेस्ड ऑन एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर है? अरे किसके आधार पर है? अनुप्रयोग के आधार पर। ब्रैकेट में छोटा सा लिख सकते हो काम के आधार पर, समझ में आ जाए कि काम दुनिया में बांट दिए जाए तो दो टाइप के होंगे,
एक तो संख्याओं से किए जा सकते हैं और एक सिग्नलों से किए जा सकते हैं। किसे? संख्या और सिग्नल। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में हमने देखा था कि ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। तीन टाइप के कौन कौन से? सबसे पहले एनालॉग। कौन सा? एनालॉग, ANALOG, एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर, जो एनालॉग सिग्नल के आधार पर काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा? हाँ, डिजिटल कंप्यूटर। बोलो कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा इन दोनों से मिलाकर बनाया गया, इन दोनों की संयुक्त कार्य प्रणाली पर काम करता है, है ना, हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कौन कौन से कंप्यूटर हो गए? बेस्ड ऑन एप्लीकेशन यानी किसके आधार पर? काम के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बात क्लियर है? अब लास्ट तीसरा टाइप में लिखो, बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर। इधर फोकस रखो ज्यादा। किसके आधार पर भाई? हाँ, तो उद्देश्य के आधार पर बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बोलो पहला कौन सा? जनरल पर्पज। कौन सा पर्पज? हाँ लिखो, जनरल पर्पज, जनरल पर्पज। कौन सा पर्पज? और दूसरा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। चलिए अब आ जाइए, एक एक की बात करेंगे अपन। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सबसे पहले, आकार व कार्य क्षमता के आधार पर। किसके आधार पर? हाँ, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन, नए पेज में लिखिए सुंदर सा, बेस्ड ऑन साइज। किसके आधार पर? आकार और कार्य क्षमता में। किसमें? हाँ, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, माई मनी में क्या याद रखोगे? बोलो माई मनी किस में रहे? हाँ, वो पिक्चर देखिएगा, अपना सपना मनी मनी। तो माई मनी में किस में? माई मनी में सुपर पावर। कौन सी पावर? हाँ, पावर ही केवल किस में? बोलो रे, मनी में। अरे किस में है पावर? हाँ, पावर ही केवल मनी में है। तो माई मनी में सुपर, कौन सी पावर? सुपर पावर। माई मनी में क्या है भाई? सुपर पावर। तो याद रखोगे आप, देखो यहां से क्या बनता है, माई से बनता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। माई से कौन सा कंप्यूटर बनेगा? माइक्रो कंप्यूटर। और ये मनी यानी मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या नाम है? मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और यहां सुपर, तो सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर भाई? और एक और है जो आपने बात की थी, वो भी बड़ा पावरफुल है, जिसको कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या कहते हैं भाई? हाँ, एम्बेडेड। क्या नाम है भाई? हाँ, एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाँ, तो आपने हेडिंग डाली है अभी, आकार यानी कार्य क्षमता और साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के। तो पहली लाइन लिखो, माई मनी में सुपर पावर है। क्या लिखा आपने? कौन सी पावर है? हाँ, लिख लिया। क्या लिखा बताओ? हाँ, तो इनका अर्थ लिखो एक एक का। माई का अर्थ क्या हो गया? माइक्रो कंप्यूटर। माई यानी माइक्रो कंप्यूटर, और मनी में मिनी कंप्यूटर, और मे यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? और सुपर यानी सुपर कंप्यूटर, और आजकल के जो एम्बेडेड सिस्टम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। तो हेडिंग डालो सबसे पहले, मिनी, माइक्रो, सुपर और मेन फ्रेम।
तो चारों की बात करेंगे। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर है? देखो आपने कुछ शब्द सुने होंगे साइंस में, एक शब्द होता है मिनी, दूसरा माइक्रो, है ना, पीको, ऐसा सुना है ना आपने। तो माइक्रो होता है सबसे छोटा, जो हमारे पास में स्मार्टफोन है, जो आपके हाथ में फोन है उसको क्या कहते हैं? हाँ स्मार्टफोन। जो आपके पास लैपटॉप या पाम टॉप होता है उसको भी क्या कहते हैं आप? माइक्रो, सबसे छोटा। जो टेबल पे रखने लायक कंप्यूटर होता है उसको क्या कहते हैं? तो जब हमने आकार के आधार की बात की तो सबसे छोटे वाला जो कंप्यूटर होता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, सबसे छोटे आकार का होता है। इसमें एक सीपीयू, सिंगल सीपीयू लगा रहता है। कितना सीपीयू होता है? एक ही प्रोसेसर लगा रहता है। और इस माइक्रो कंप्यूटर को एक बार में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। कितना व्यक्ति यूज कर सकता है? आप फोन पे बात कर रहे हो, अपने फोन से मैं कर सकता हूं क्या? नहीं। आप अभी गाना सुन रहे हो, मैं सुन सकता हूं क्या? आप वाले फोन से? नहीं। तो यानी एक फोन से सुन सकता हूं, लेकिन वो आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं, जो आप सुन रहे हो भाई। तो माइक्रो कंप्यूटर का अर्थ हो गया ऐसे कंप्यूटर जो आकार में सबसे छोटे होते हैं, कार्य क्षमता भी सबसे कम होती है, सामान्य कार्यों के लिए बनाए जाते हैं और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, पोर्टेबल होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। जैसे लैपटॉप हो गया, जैसे आपका पाम टॉप हो गया, जैसे आपका डेस्कटॉप, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ले जा सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और स्मार्टफोन हो गया। तो अपन बात कर रहे हैं कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? साइज में छोटे, कार्य क्षमता में कम, सिंगल प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर? एक ही सीपीयू होता है। कितना सीपीयू होता है? एक ही सीपीयू होता है। तो लिखिए जरा, और सबसे सस्ते भी होते हैं। लिखो, आकार में छोटे, आकार में कैसे छोटे? आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर्स पर एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इन कंप्यूटर्स पर एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर कहते हैं भाई? अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही पर्सन काम में ले सकता, हाँ, इसलिए क्या नाम हो गया इनका? पर्सनल कंप्यूटर। इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, इनके अंदर जो सीपीयू होता है, उस सीपीयू में ही आपका एएलयू, उसी सीपीयू में जो आपका रजिस्टर्स और सीपीयू के मुख्य मेमोरी यूनिट, और इसी एक ही सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? तो जब एक ही चिप पर सीपीयू के सारे घटक, उसमें सारे अवयव, सारे कंपोनेंट डाल दिए जाए, किसमें? एक ही चिप पर। कौन सी चिप पर? तो उसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहते हैं? हाँ, तो इन कंप्यूटर का मुख्य अवयव होता है, वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? जिसको आप कहते हो कंप्यूटर का इंजन। किसका इंजन? जिस गाड़ी का इंजन मजबूत होगा, तगड़ा होगा, वो दौड़ेगी, ताकत ज्यादा होगी। तो जिस कंप्यूटर का सीपीयू ज्यादा पावरफुल होगा, वो ज्यादा तेज होगा। तो बोले कंप्यूटर का इंजन किसको कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? सीपीयू को। तो इसका जो मेन अवयव होता है वो सीपीयू नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहेंगे? तो लिखो, अब लिखो जरा, इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर, इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर मेन अवयव होता है, मेन कंपोनेंट होता है। माइक्रो प्रोसेसर मेन अवयव होता है, मुख्य कंपोनेंट होता है। मेन अवयव, कौन सा अवयव भाई? हाँ, मुख्य घटक होता है। इनमें केवल एक ही सीपीयू, सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इन कंप्यूटर में केवल कितना सीपीयू होता है भाई?
एक ही सीपीयू होता है। तो ऐसे कौन से कंप्यूटर जिसमें केवल एक ही सीपीयू का यूज किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाँ तो लिखो। अच्छा दूसरा, जैसे आपने सुना कि कंप्यूटर का विकास तो लगभग 1940 के आसपास शुरू हो गया था, लेकिन उस समय कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था, बड़े बड़े कंप्यूटर बने। तो ऐसे कंप्यूटर कब बनने लगे जिनका आकार बहुत छोटा हो गया, लैपटॉप के बराबर, डेस्कटॉप के बराबर, कब बनने लगे? ये लगभग 1970 के आसपास। कब बनने लगे? हाँ तो लिखो, एक लाइन लिख लीजिए, इन कंप्यूटर्स का विकास 1970 के आसपास शुरू हुआ। इन कंप्यूटर का विकास कब शुरू हुआ? तो लिखो, इन कंप्यूटर्स का विकास 1970 के आसपास शुरू हुआ। ये कंप्यूटर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इसको सपोर्ट करते हैं, हाँ, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। पोर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, पोर्टेबल क्या होते हैं भाई? पोर्टेबल का क्या मतलब है भाई? हाँ, पोर्टेबल होते हैं, कहीं भी बैग में डालो ले जाओ, और आजकल तो आप जेब में डाल लेते हो, बैग की भी जरूरत नहीं है। तो ये कंप्यूटर कैसे होते हैं? पोर्टेबल होते हैं, लेकिन इनकी कार्य क्षमता क्या होती है? कम होती है। अच्छा, विश्व में पहला कोई ऐसा कंप्यूटर जो आपको, जिसका नाम याद हो, जो माइक्रो कंप्यूटर कहलाया, बताओ जरा। अच्छा, आपने कंपनी का नाम सुना होगा इंटेल, अरे क्या नाम है ये? क्या करती है कंपनी जो इंटेल है? वो सीपीयू बनाती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। क्या बनाती है? तो इसने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया, उसका नाम दिया 4000। 4000 से मन नहीं भरा तो आगे 4 और लिख दिया। आगे क्या लिख दिया? तो 4004। प्रोसेसर का क्या नाम दिया? अरे क्या नाम दिया? हाँ, 4004। फिर उसने दूसरा प्रोसेसर बनाया, तो उसने कहा इससे दुगुनी क्षमता है का, तो डबल कर दो। तो क्या नाम दे दिया उसका? इंटेल 8008। क्या नाम दिया उसका? किसका नाम है ये बोलो? अरे प्रोसेसर का। किसका? हाँ, माइक्रो प्रोसेसर। किसका है? हाँ, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, तो 4004 और 8008, ये शुरुआती दो माइक्रो प्रोसेसर थे जो इंटेल कंपनी ने बनाए। आजकल आपको पता है 3 कंपनियां जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाता है? इंटेल। और दूसरे नंबर पर है एएमडी, क्या नाम है? और तीसरे नंबर पर मोटोरोला। कौन है? मोटोरोला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू बनाने वाली कंपनी कौन सी है? हाँ, तो एक लाइन लिखो आप आगे, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर एल्टेयर, क्या नाम है इसका? एल्टेयर 8800। क्या लिखा आपने? 8800। एल्टेयर 8800, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर एल्टेयर 8800। अरे कितना? 8800। 1971-72 में बनाया गया। कब बनाया गया? हाँ, 1971-72 में बनाया गया, जिसमें इंटेल 4004 प्रोसेसर लगा था। कौन सा प्रोसेसर लगा था रे? हाँ, लेकिन कहते हैं कि यह प्रोसेसर तो लगा था, लेकिन कंप्यूटर पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाया था, इसलिए फिर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया गया। और 1973 में एक कंप्यूटर बनाया गया, मिर्केल, क्या नाम है उसका? हाँ, क्या नाम है? इसमें क्या लगाया गया? 4004 के बाद कौन सा प्रोसेसर लगाया गया? इंटेल 8008। तो ये जो आपका 1973-74 में बनाया गया, कब बनाया गया भाई? हाँ,
ये दूसरा कंप्यूटर था जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था, किसके आधार पर था? तो बताओ जरा, पूरी दुनिया में पहला माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर कौन सा था? कौन सा कंप्यूटर था? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कब शुरू हुआ? अच्छा, सबसे छोटे कंप्यूटर होते माइक्रो कंप्यूटर, उनमें कौन सा प्रोसेसर डाला जाता है? इंटेल नहीं, कोई भी डाल सकते हो, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर डाला जाता है। कौन सा प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीधा कह सकते हो एक ही चिप पर, किस पर? एक ही चिप पर सीपीयू के सारे कंपोनेंट डाल दिए जाए तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर। तो क्लियर है आपका माइक्रो कंप्यूटर। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, दो लाइन छोड़ के। मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? अच्छा, इसके एग्जांपल एग्जांपल लिखोगे आप तो फटाफट लिख लो एक बार, माइक्रो में एग्जांपल वगैरह लिखोगे तो। देखो, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर, एक दो लाइन छोड़ी थी ना, लिख लो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या नाम है? सिद्धार्थ। कोई दोस्त होगा तुम्हारा सिद्धू, वो गाना नहीं सुना, नाम है सिद्धू। हाँ तो सिद्धार्थ, बोलो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। लिख दो 1984 भारत मुंबई, कहां बनाया गया? हाँ 1984-85 BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। तो बोलो सिद्धार्थ कब बनाया गया? अरे सिद्धार्थ, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था रे? सिद्धार्थ कब बनाया गया? 1984-85 में। कहां पर बनाया गया? अरे कहां पर बनाया गया? अच्छा, भारत का पहला माइक, ये तो माइक्रो कंप्यूटर है, अरे कौन सा है ये बोलो? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर कहां बनाया गया? IIT मद्रास। कहां पर? माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले कौन? IIT मद्रास। और अभी उन्होंने एक प्रोसेसर बनाया था, उसका नाम था शक्ति। क्या नाम था? हाँ, तो भारत में पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसको चेन्नई भी कहते हो आप। क्या कहते हो? अरे चेन्नई मद्रास एक ही बात ना, ठीक है। तो बताओ जरा, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा? सिद्धार्थ। और भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कहां पर बनाया गया? अरे कहां पर बनाया गया, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल लिख लो, तो आपको पता ही होंगे। लिखो एग्जांपल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप। कौन सा टॉप रहे? हाँ, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, पाम टॉप। कौन सा टॉप है? पाम टॉप। आदि। अच्छा, उपयोग कहां किया जाता है इनका? अरे इन कंप्यूटर्स का उपयोग कहां किया जाता है भाई? हैं? अरे कहां किया जाता है? लगभग लगभग सभी कार्य क्षेत्रों में, छोटी ऑफिसों में, दुकानों में, छोटे बिजनेस में, एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स वगैरह सब लोग यूज करते हैं, व्यापारी वगैरह सब। तो उपयोग आपको पता है उपयोग कहां किया जाता है बोलो? हाँ, सभी जगह यूज किया जाता है, जो सामान्य कार्य होते हैं। अब हेडिंग डालो मिनी, मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर भाई? मिनी कंप्यूटर, नाम से ही पता चल रहा है मिनी। अब थोड़ा सा यहां समझने वाली बात है कि मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। हेडिंग डाल ली मिनी कंप्यूटर। अब देखिए, जब आप कॉलेज में जाते हो, कहां जाते हो? और वहां कंप्यूटर लैब है, कौन सी लैब है? तो कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, और वो कंप्यूटर लैब के बहुत सारे कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़े रहते हैं। किससे? हाँ, वहां एक व्यक्ति बैठा रहता है जिसको आप कहते हो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्या कहते हैं? वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? उस सर्वर को देखता है, उस सर्वर से सारे के सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, जिन पर स्टूडेंट आकर के अपना काम करते रहते हैं। तो जब भी कंप्यूटर लैब आपने कभी देखी है अपनी कॉलेज में, तो एक बड़ा सा इस तरह से महंगा लाख दो लाख का प्रोसेसर होता है, सीपीयू आप कह सकते हो कंप्यूटर होता है, यह सर्वर है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कंप्यूटर लैब जुड़ी रहती है, और उस लैब में क्या होते हैं? स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, और इस तरह से सारे कंप्यूटर उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन यह ज्यादा महंगा नहीं होता, 2-3 लाख का होता है, लेकिन आम आदमी इसको नहीं खरीद पाता या खरीदता नहीं है, यूं कह लो आप, ठीक है। कोई यूज नहीं है इसका,
हमारे लिए। तो ये आपका सर्वर है, और ये कौन सा कंप्यूटर है बोलो, मिनी। कौन सा कंप्यूटर है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, अन्य कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए। अब ये सारे के सारे कंप्यूटर है, इनको आप कह सकते हो नोड। क्या कहते हो, नोड। नोड कंप्यूटर या जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर, या आजकल के चलन की बात करो तो आपका लाइब्रेरी। क्या लाइब्रेरी में जाते हो, क्या कहा जाते हो, तो आपके सारे मोबाइल वाईफाई वगैरह से जोड़ते हो ना, लेकिन उनके पास भी एक कंप्यूटर होता होगा लाइब्रेरी वालों के पास, वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है वो थोड़ा सा, लेकिन वो आप कह सकते हो मिनी नहीं है, आज के ही मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी आज के ही माइक्रो कंप्यूटर का अच्छा कंप्यूटर होता है। लेकिन हम बात करें बड़ी लैब में या किसी बड़े ऑफिस में, जहां पर मान लो ऑफिस में बॉस बैठा है, कौन बैठा है, हाँ, और उसके पास कंप्यूटर है और उसके सारे के सारे वर्कर है, वो काम करते हैं, तो वो बॉस ऐसा थोड़ी कि बार बार उनके पास खड़ा होके जाएगा, उनको काम बताएगा, वो कंप्यूटर से ही उनको कमांड दे देगा, कोई काम है तो भेज देगा, फाइलों को लाना ले जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो कंप्यूटर है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 से 100 200 कंप्यूटरों को जोड़ने की जरूरत होती है आपस में, वो एक बड़े कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिंगल यूजर नहीं होता, सिंगल यूजर होता तो कितना आदमी काम करता, तो इसमें होता है आप कह सकते हो टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा, मतलब टाइम को शेयर करना, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना, टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल इस पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, यानी बहुत सारे व्यक्ति काम में ले सकते हैं इसको। सारी मेमोरी यहां होती है, जो भी ये काम करते हैं यहां भी रख सकते हैं मेमोरी, या नहीं तो वहां पर आ जाएगा सारा डाटा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि कॉलेज में उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप बंद कर दिया, बाकी काम करो लैब में बैठ के, होता है ना, तो सारा का सारा कंट्रोल कहां से होता है, मिनी कंप्यूटर से। तो लिखो इसमें फटाफट लिखो, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक कार्य क्षमता वाले, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक कार्य क्षमता वाले, कौन से कंप्यूटर से, हाँ माइक्रो कंप्यूटर से अधिक कार्य क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इनकी मेमोरी व प्रोसेसिंग क्षमता भी अधिक होती है, इनकी मेमोरी व प्रोसेसिंग क्षमता भी अधिक होती है, क्या अधिक होती है भाई, भी अधिक होती है, वह प्रोसेसिंग क्षमता भी अधिक होती है, मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू, एक से अधिक सीपीयू, एक से अधिक सीपीयू होते हैं। बताओ जरा कितने सीपीयू होते हैं, जब एक से अधिक सीपीयू होंगे तो सीधी सी बात है स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्पीड भी क्या होगी, तो कार्य भी फास्ट करेंगे, तो एक से अधिक सीपीयू होते हैं। ये आकार में भी बड़े होते हैं, आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा, टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर में किसका यूज करते हैं, टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बोलो, टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का यूज, बोलो किसका यूज करते हैं भाई, टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, क्लियर है बात। चलिए अब इसमें नोट कीजिए, इन कंप्यूटर्स का यूज एक से अधिक अर्थात 200 तक, इन कंप्यूटर्स का यूज एक से अधिक अर्थात 200 तक यूजर्स को आपस में जोड़कर यूजर्स को आपस में जोड़कर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। यूजर्स को 200 तक यूजर्स को आपस में जोड़कर
कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो फटाफट, ये आपका सर्वर हो गया, क्या हो गया ये सर्वर। तो मिनी कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, छोटे सर्वर के रूप में। कौन से सर्वर के रूप में, छोटे या बड़े? हाँ, छोटे सर्वर के रूप में काम करता है और उससे बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। छोटा सा डायग्राम बना लिया। लिखो सर्वर से जुड़े सभी यूजर, सर्वर से जुड़े सभी यूजर, सर्वर से जुड़े सभी यूजर इसे एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो बताओ जरा, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, नाम है पीडीपी। क्या नाम है भाई? पीडीपी 8। क्या नाम है इसका? पीडीपी 8, जो 1965-66 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो लिखो विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में किसमें रहे? अरे किसमें? 1965 में बनाया गया था और नाम क्या था उसका? पीडीपी 8। क्या नाम था? हाँ, तो एक कंपनी है डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, उस कंपनी ने बनाया था। तो ये पहला मिनी कंप्यूटर था जो कब बन के तैयार हो गया था? 1965 में। अच्छा, उपयोग कहां किया जाता है इसका बताओ जरा? स्कूल, कॉलेज या बड़े ऑफिस, बड़े कार्यालय में, यूनिवर्सिटी में, लैब में, सर्वर के रूप में। किसके रूप में? या किसी के पास बड़ा भारी भरकम काम हो तो वो यूज कर सकता है, लेकिन ये थोड़े महंगे आते हैं। किससे महंगे आते हैं बोलो जरा? माइक्रो से। क्लियर है बात? आकार में भी माइक्रो से क्या आते हैं भाई? बड़े आते हैं। पैसों में भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है, प्रोसेसिंग क्षमता भी ज्यादा होती है, सीपीयू भी एक से अधिक होते हैं। सिंगल यूजर की बजाय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। अब अगला आपका तीसरा है मेन फ्रेम। क्या नाम है बोलो? मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बोलो कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे पहले थोड़ा पुराने समय की बात करें तो मान लो आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, जयपुर से मुंबई जाना है, और आप ट्रेन के द्वारा जा रहे हो। किसके द्वारा? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टिकट लाओगे। टिकट लाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? रेलवे स्टेशन। वहां बहुत बड़ी लाइन लगी है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके टिकट मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपको हवाई यात्रा करनी है। कौन सी यात्रा करनी है? हाँ, तो हवाई यात्रा करनी है आपको किसी दूसरे देश की, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाके खिड़की के बाहर क्या लेनी पड़ेगी? और बड़ी महंगी टिकट होती थी, खरीद ली, आपने यात्रा शुरू कर दी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल आपको किसी रेलवे स्टेशन या किसी एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। उनका खुद का अपना इतना बड़ा सर्वर है कि पूरी दुनिया में कहीं से भी आप टिकट बुकिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दुनिया में कहीं भी बैठ करके आप क्या कर सकते हो? टिकट बुकिंग कर सकते हो। पहले यदि बैंक में पैसे डालने होते थे तो बैंक जाना होता था और निकालने होते तो भी, और आजकल आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास इतने बड़े बड़े कंप्यूटर हैं जो लाखों करोड़ों यूजर को एक साथ सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, खिड़की में एक व्यक्ति के साथ कितना व्यक्ति काम कर सकता है? एक। जैसे मान लो वहां कोई कैशियर बैठा है, पैसा आपको दे रहा है, तो दूसरे को नहीं दे पाएगा ना, है ना? दे पाएगा क्या? हाँ, बात पैसे की चल रही है। तो उस केस में क्या होगा कि एक व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति उसको काम के लिए हाँ परमिशन दे सकता है। लेकिन
आजकल इंटरनेट के द्वारा उसी बैंक से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, एक बैंक में कई लोगों खाते हैं, कोई और कर सकता है। तो ये सुविधा हमें मिली है एक ऐसे बड़े कंप्यूटर की वजह से जिसकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है, जो स्पेशली बैंकिंग में, बीमा क्षेत्र में, किसमें बैंकिंग में, बीमा क्षेत्र में, रिजर्वेशन में, टिकट रिजर्वेशन में, किसमें टिकट रिजर्वेशन में, और जो मुश्किल कैलकुलेशन होती है, गणितीय गणनाएं होती है, उनको हल करने के लिए काम में लिया जाता है। आम आदमी की पहुंच से दूर है, करोड़ों रुपए महंगा आता है, हजारों आपके प्रोसेसर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं बोलो? अच्छा, कितने प्रोसेसर लगे रहते हैं और पैसा कितना खर्च होता है इसको लाने के लिए? करोड़ों से भी ज्यादा। आम आदमी इसको नहीं खरीद सकता, उसके कोई काम का नहीं है, साइज भी काफी बड़ी होती है। यो मान लीजिए कि एक बड़े रेफ्रिजरेटर जितनी, एक बड़े अलमारी जितनी, दिन रात चलते रहते हैं, बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नाम क्या पड़ गया इनका? मेन फ्रेम, बड़ा सा फ्रेम। कौन सा फ्रेम? हाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इनकी कार्य क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, हमारे कोई काम का नहीं है, और स्पेशली यूज होता है सर्वर के रूप में, बड़े सर्वर। कौन से सर्वर? बड़े सर्वर। तो लिखे अभी इसको, तो लिखो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर, हेडिंग डाल दी। तो बहुत बड़ी मात्रा में, लिखो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए, बड़े बड़े डेटा होते हैं ना, जैसे आपने टिकट वगैरह बुक करवाई, सारा वो डेटा उसी में रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे, सारा डेटा उसी में रहेगा, आपके खातों की सारी डिटेल उसी में रहेगी। तो क्या लिखा? बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है भाई? हाँ, डेटा को स्टोर करने के लिए। फिर लिखो, ये कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े, साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनका उपयोग बीमा क्षेत्र कॉमा बैंकिंग क्षेत्र कमा टिकट बुकिंग। कौन सी बुकिंग? हाँ, रेलवे और हाँ एयरप्लेन, या आप कह सकते हो एयरपोर्ट रिजर्वेशन। तो क्या लिखा आपने? बीमा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, टिकट रिजर्वेशन, जो ऑनलाइन आपके फॉर्म वगैरह भरते हो आप लोग, जैसे मान लो एक वैकेंसी आई भी राजस्थान पुलिस की आई, तो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी तो 5-6 हजार हजारों में आती है, लेकिन फॉर्म लाखों में अप्लाई होते हैं। तो आपकी सारी डिटेल कहां है? एक ऐसे बड़े कंप्यूटर के अंदर, एक ऐसे बड़े कंप्यूटर के अंदर, जब आप फॉर्म सेंटर पे पहुंचोगे तो अपने आप आपको डिटेल चेक कर लेंगे कि भाई तू ये क्या, आजा, तेरी जगह कोई और है क्या, मास्क में क्या छिपा रखा है तूने, वो सारा ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा हमारा डेटा कौन से कंप्यूटर में रहता है? हमारे वाले में थोड़ी रह सकता है, छोटे से में फट जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो आपने लिखा भी कौन कौन से क्षेत्र में? बीमा के क्षेत्र में, बैंकिंग की सारी डिटेल, रिजर्वेशन आदि क्षेत्रों में यूज किया जाता है। लिखो, इन कंप्यूटर्स का यूज सर्वर के रूप में, किसके रूप में? सर्वर के रूप में करते हैं। बोलो, किसके रूप में करते हैं इनका यूज? सर्वर के रूप में इनका यूज करते हैं। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता बहुत अधिक होती है। बोलो, इनकी प्रोसेसिंग क्षमता कैसी होती है? इनकी प्रोसेसिंग क्षमता बहुत अधिक होती है। अच्छा, ये सीपीयू वाली बात लिख ली थी क्या? इसमें बहुत अधिक सीपीयू लगे रहते हैं। लिख लिया, लिखो, इनकी प्रोसेसिंग क्षमता बहुत अधिक होती है क्योंकि इनमें बहुत सारे सीपीयू एक साथ लगे रहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे सीपीयू एक साथ लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? एक साथ लगे रहते हैं। अब जितने ज्यादा सीपीयू होंगे, उतनी ज्यादा मेमोरी होगी, उतनी ज्यादा कार्य क्षमता होगी, उतनी जल्दी काम होगा। लेकिन ये जो काम थे, ये तो साधारण काम थे। इसके अलावा जो साइंटिस्ट है, कौन है?
साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च और अनुसंधान के क्षेत्र में भी इन कंप्यूटरों को उपयोग में लेते हैं। कौन यूज करते हैं, किस क्षेत्र में? हाँ तो लिख सकते हो, इनका उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा, वह इंजीनियर्स द्वारा रिसर्च के क्षेत्र में, वैज्ञानिकों व इंजीनियर्स द्वारा रिसर्च के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? तथा जटिल कैलकुलेशन, यानी कठिन कैलकुलेशन, जटिल कैलकुलेशंस करने में भी करते हैं। अरे किसमें करते हैं? हाँ कौन से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलो लास्ट लाइन लिख लो, ये कंप्यूटर एक सेकंड में करोड़ों कार्य पूरे कर सकते हैं। तो इनको किस रूप में यूज करते हैं बोलो जरा? सर्वर के रूप में। प्रोसेसर कितने होते हैं? बहुत सारे सीपीयू लगे रहते हैं। और भंडारण क्षमता कैसे होती है? मेमोरी क्या होती है भाई? लार्ज कैपेसिटी होती है। मुख्य रूप से कहां यूज करते हैं? हाँ इंश्योरेंस वगैरह, बैंकिंग फील्ड है, और टिकट रिजर्वेशन है। और यू समझ लीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए कि यह आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और इससे पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। यह समझ लीजिए, आप अमेरिका में बैठे बैठे भी भारत में टिकट का रिजर्वेशन कर सकते हैं। इस तरह से बना लीजिए, आप एक डायग्राम बना लीजिए, स्पेशली इंटरनेट के माध्यम से, स्पेशली किसके माध्यम से? के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, मतलब पूरी दुनिया से जोड़ सकते हैं आप। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। हाँ ये जो छोटे छोटे जोड़ोगे ना कंप्यूटर, तो आप यह कर सकते हो हजारों, कौन से भाई? हजारों लाखों कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़े जा सकते हैं। कितने कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं? किससे जोड़े जा सकते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़े जा सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा अब आपका अगला नेक्स्ट कौन सा कंप्यूटर है भाई? सुपर डुपर, नाम ही पता चल रहा है, सुपर कंप्यूटर। कई बार हिंदी में लिखा था, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? महासंगणक। बोलो क्या कहते हैं? महासंगणक। अब ये कंप्यूटर तो मेन फ्रेम के भी बाप होते हैं। किसके बाप होते हैं? यदि मैं क्षमता की बात करूं तो देखो, मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, सुपर सबका बाप, और सुपर से थोड़ी कम क्षमता किसकी? मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम से कम क्षमता किसकी? मिनी कंप्यूटर की। और मिनी से कम क्षमता किसकी? माइक्रो कंप्यूटर की। इस लाइन को याद रखो, या हम कह सकते हैं इसकी स्पीड कम होती है, साइज कम होती है, कैपेसिटी कम होती है, कार्य क्षमता कम होती है, कम लोग काम में ले सकते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारा क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं, ज्यादा महंगा हो जाएगा, साइज भी बढ़ती जाएगी, और इसी तरह से सुपर कंप्यूटर में भी। तो सुपर कंप्यूटर यानी सबसे अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर, जो करोड़ों गणनाएं, करोड़ों अरबों कैलकुलेशन एक सेकंड में पूरी कर सकता है। समझ लीजिए, पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया अमेरिका वालों ने। किसने? हाँ अमेरिका वालों ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया, और उसका नाम रखा क्रे। क्या नाम रखा? क्रे वन। क्यों रखा?
क्योंकि जब इन्होंने बनाया तो उस पूरे प्रोजेक्ट का जो मुख्य वैज्ञानिक था उसका नाम था सेमूर क्रे। क्या नाम था बोलो? अरे क्या नाम था उसका? हाँ, उस व्यक्ति का क्या नाम था? सेमूर क्रे। तो सेमूर क्रे इस प्रोजेक्ट का हेड था और उसी के नाम पर कंप्यूटर का नाम रख दिया। इसलिए आज भी सुपर कंप्यूटर का पिता, सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पहली बार सुपर कंप्यूटर बना, कब बना बोलो? कब बोलो? कितना? 78-89 में। ये कहां बना बोलो? अमेरिका में। नाम क्या था कंप्यूटर का? क्रेवन। क्या नाम था? क्रेवन। और इसी के नाम पर फिर कंपनी का नाम भी रख दिया। तो ये क्रेवन, क्रे के वन एस वन कंपनी थी, वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा क्षमता का कंप्यूटर बनाया। उस कंप्यूटर का नाम था क्रेवन। और इसलिए यह नाम रखा गया क्योंकि बनाने वाले वैज्ञानिकों में जो उनका मेन लीडर था उसका क्या नाम था? सेमूर क्रे। इसलिए आज भी पूरी विश्व में सुपर कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? सेमूर क्रे। अब अमेरिका में बना लिया तो भारत वालों ने भी सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो भारत में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था विजय भाटकर। क्या नाम है? अरे कौन सा कर? कर कौन सा? हाँ, भाटकर। क्या नाम था? तो विजय भाटकर को कहा गया मुंबई बुला के, भाई इधर कंप्यूटर बन रहे हैं सुपर कंप्यूटर, अपन भी कुछ बनाएंगे। उसने कहा तैयार हूं मैं, टीम तैयार है। तो भाटकर साहब लग गए और उन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया और उसका नाम दिया, थोड़ा राम ले लिया और थोड़ा पीए ले लिया। तो क्या नाम लिया? परम। क्या नाम लिया? परम। परम 8000। कितना हजार? तो परम 8000। परम की पूरी सीरीज है, पुणे में कंपनी है सीडेक। क्या नाम है? सीडेक, एडवांस कंप्यूटिंग की कंपनी है। वहां विजय भाटकर और उसकी टीम ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया और उसका नाम रखा परम 8000। फिर उन्होंने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, परम 10000 लाइन लगा दी। तो ऐसे करके उन्होंने जो भारत में सुपर कंप्यूटरों का निर्माण शुरू किया। इसलिए भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता या जनक किसको कहा जाता है? विजय भाटकर को। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1991 में। किसके नेतृत्व में? कौन सी कंपनी ने बनाया? सीडेक। सीडेक का मुख्यालय कहां पर है? अरे कहां पर? पुणे में। कहां पर भाई? पुणे शहर कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये इस तरह से। उसके बाद तो बार्क ने भी बना लिया, टाटा कंपनी जो प्राइवेट है उसने भी अपना इक्का के नाम से एक सुपर कंप्यूटर बना लिया। वर्तमान में भारत में लगभग 12-13 सुपर कंप्यूटर, ज्यादा नहीं इतने बड़े देश में, जो हमने बनाए हैं। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट में जब कोरोना चल रहा था तो जून जुलाई के महीने में भी भारत के वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर बना रहे थे और उसका नाम क्या रखा था? परम सिद्धि। क्या नाम? तो सिद्धि हासिल करते हैं ना, पढ़ के क्या हासिल करना है हमें? हाँ, पढ़ाई में सिद्धि हासिल करनी है तो नौकरी आराम से लगेगी। तो परम सिद्धि या परम सिद्धि, क्या नाम दिया उसका? तो भारत का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर 2020 में बना, जून महीने में, और उसका नाम क्या है बोलो? परम सिद्धि। भारत का लेटेस्ट और सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अपने यहां नोएडा में लगा है, जब इच्छा हो देखना जाके। और उसका काम है मौसम की सटीक जानकारी देना। और ये भी आप याद रखें, पूरी दुनिया में मौसम की सटीक जानकारी केवल भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ही दे सकती है। पूरी दुनिया में मौसम की सही जानकारी कौन से देश की टीम दे सकती है? हाँ, और वो परम सिद्धि इतना ताकतवर है कि दुनिया के 500 बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर ले लिए जाए एक साथ, कि आ जाओ सबको बिठा दो इधर। कितने? तो उसका 63वां नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है? इसका मतलब 62 तो हमसे आगे है। कितने आगे है? तो देखो, वर्तमान में सुपर कंप्यूटरों की जो जंग चलती रहती है वो चलती रहती है चीन, जापान और अमेरिका के बीच। किस किस के बीच चलती रहती है? हाँ, लेकिन इसी कोरोना में जापान ने भी बाजी मार दी। जापान ने कंप्यूटर बनाया फुगाकू। नाम ही ऐसे होते हैं। क्या नाम है? हाँ,
खुगाकू, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। क्या नाम है इसका? तो बोलो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? लेकिन हमारा कौन सा है बोलो रे? अरे हमारा कौन सा है भाई? हाँ परम है, हाँ परम सिद्धि हासिल करनी है हमें बस। ठीक है, क्लियर है। तो ये बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, केवल सरकारी तंत्र यूज करता है। कौन यूज करता है? या बहुत बड़ी संस्था है, जैसे मान लो टाटा का अपना खुद का है ना, अंबानी भी, तो इस तरह से जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यूज कर सकती है, वो भी सरकार की परमिशन के साथ। तो ये सरकारी तंत्र के द्वारा मौसम विभाग, अंतरिक्ष अनुसंधान या भूगर्भी के अनुसंधान में काम में लिया जाता है। ये ऐसी समस्या, जटिल समस्या जिनको हल करना बड़ा मुश्किल है, वो किसकी सहायता से हल किया जा सकता है? सुपर कंप्यूटर। तो लिखो आप सुपर कंप्यूटर, फटाफट छापो सुपर कंप्यूटर। लिख रहे हो क्या? हाँ लिखो। दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर, दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर, दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। अरे क्या होते हैं भाई? दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, सबसे पावरफुल, सबसे पावरफुल, सबसे पावरफुल कोमा सर्वाधिक कीमत, सबसे पावरफुल कोमा सर्वाधिक कीमत, हाँ कोमा सर्वाधिक स्टोरेज कैपेसिटी, सर्वाधिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। क्योंकि क्यों होती है इतनी क्षमता ज्यादा, इतने पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि एक साथ बहुत सारे सीपीयू लगे रहते हैं, लाखों सीपीयू, हजारों सीपीयू। कितने सीपीयू लगे रहते हैं? जब एक आदमी काम करता है तो टाइम लगता है, एक से दो होते हैं तो समय और कम लगता है, दो से तीन आदमी होते हैं तो समय और कम लगता है, और मान लो काम बड़ा हो और आदमी भी बहुत ही ज्यादा हो तो काम सेकंडों में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ। तो इसी तरह से जब इसमें लाखों हजारों सीपीयू होंगे तो उतनी ही बड़ी मेमोरी होगी, और काम में तो आप कह सकते हो आज के हमारे पर्सनल कंप्यूटर से लाखों करोड़ों गुना तेजी से काम कर सकता है। कितनी तेजी से? हाँ चलो देखो जरा। तो लिखा आपने क्या लिखा अभी? हाँ तो इसमें कितने सीपीयू होते हैं? हजारों में सीपीयू लगे रहते हैं, हजारों लाखों में क्या लगे रहते हैं? सीपीयू, एक साथ मिलकर काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज, नीचे लिखो, सुपर कंप्यूटर का यूज सरकारी तंत्र द्वारा, सरकारी तंत्र द्वारा, ज्यादातर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम में लेते हैं, सरकारी तंत्र द्वारा मौसम का पूर्वानुमान, सरकारी तंत्र द्वारा मौसम का पूर्वानुमान, कोमा खनिज व तेल के रिसर्च में, मौसम का पूर्वानुमान, कोमा खनिज व तेल के रिसर्च में, कोमा अत्यधिक जटिल खनिज व तेल के रिसर्च में, कोमा अत्यधिक जटिल, जटिल यानी कठिन, अत्यधिक कठिन समस्याओं को सुलझाने में, किसमें? हाँ सुलझाने में यूज किए जाते हैं। इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग, कौन सी प्रोसेसिंग? हाँ एक तो होती है सिंगुलर प्रोसेसिंग, एक होती है पैरेलल प्रोसेसिंग। मतलब पैरेलल का मतलब दो या दो से अधिक काम एक साथ पूरे करना। जैसे आप एक बार में केवल एक ही सब्जेक्ट को लिख सकते हो। कभी आपने कोई ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जो दोनों हाथों से लिख सकता है? वो पैरेलल काम हो गया। क्या हो गया? हाँ समानांतर काम हो गया। तो इसी प्रकार से वो ऐसी हजारों कार्य पैरेलल कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? तो बोलो इसमें कौन सी प्रोसेसिंग? पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज होता है। कौन सी प्रोसेसिंग का यूज होता है भाई? पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज होता है।
अब कुछ फैक्ट है वो लिख लो जो आपने देखा। लिखो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। क्रे के एस क्या लिख रहे हो? हाँ क्रे के एस रिसर्च कंपनी। कौन सी कंपनी? क्रे के एस रिसर्च कंपनी। क्रे के एस रिसर्च कंपनी ने 1979 में अमेरिका में कहां पर अमेरिका में सीडीसी क्या लिखोगे ना? सीडीसी 6600 क्या लिखोगे? सीडीसी 6600 बोलो क्या लिखोगे? सीडीसी 6600 बनाया। कौन सा बनाया? अब देखो ये जो सीडीसी 6600 सुपर कंप्यूटर बनाया इसी क्रे के एस वन कंपनी ने, लेकिन लोगों ने कहा भाई इस प्रोजेक्ट का मुखिया था सेमूर क्रे। अब जो व्यक्ति कंप्यूटर बना रहा है मुखिया होता है, वो अपने नाम से थोड़ी बनाएगा, उसने किस नाम से बनाया? लेकिन बाद में वहां की गवर्नमेंट और कंपनी वालों ने मिलकर तय किया कि इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? सेमूर साहब को जाना चाहिए। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? हाँ तो लिखा इसका नाम बदलकर क्रे वन कर दिया गया, सी आर ए वाई क्रे वन। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? क्रे वन कर दिया गया। तो लिखो आगे लिखो विश्व का सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है भाई? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो लिखो विश्व का सुपर कंप्यूटर का जनक सेमूर क्रे। कौन से कंप्यूटर का जनक भाई? सुपर कंप्यूटर का जनक कौन सा है? सेमूर क्रे। लाइन चेंज करके लिखो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू। क्या नाम है? फुगाकू। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू। क्या नाम है? किसने बनाया? हाँ जापान ने जून 2020 में बनाया। कब बनाया रे? हाँ लाइन चेंज करके लिखो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 परम 8000 को 1991 में सीडेक पुणे शहर का नाम है पुणे महाराष्ट्र। सीडेक पुणे ने डॉक्टर विजय भाटकर के नेतृत्व में बनाया गया।
अगली लाइन में लिखो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भाटकर, किसका जनक रहे, बोलो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, चलो एक पूछ रहा सर ये इंडिया के कौन कौन से राज्यों में है, मतलब अब ये भी बताओ कि सुपर कंप्यूटर रखे रखे कहां पर है लेटेस्ट लिख लो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कहां लिख कहां रखा है, गुड़गांव में लिख लो, भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर मतलब नेट का तो ये हो गया कि ऑनलाइन क्लास का कोई कुछ भी पूछ ले, गुरुजी हमारी भैंस कहां बंदी है तो भी तो क्या लिखा आपने, हाँ भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, क्या नाम है रे, परम सिद्धि जो नवंबर 2020 में बनाया गया और कहां पर है ये, किस लिए यूज किया जाता है, हाँ नोएडा कह सकते हो आप, वही एनसीआर क्षेत्र पूरा, हाँ नोएडा। तो क्लियर है सुपर कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट उसका जनक कौन है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, ठीक है। तो ये दो चार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान रखें, ठीक है। हाँ और ये जो विजय अभी जो अपने सुपर कंप्यूटर बनाया परम, इससे पहले आपने सुना होगा मिहिर और प्रत्युष जो 2018 में भारत ने बनाया था, क्या नाम था उसका, मिहिर और प्रत्युष, तो इनसे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। अब लास्ट लिखो एम्बेडेड कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर या एम्बेडेड सिस्टम, कौन सा सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, कौन सा, हाँ एम्बेडेड, देखिए बातें नहीं, एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, जैसे आप कोई भी कंप्यूटर खरीदते हो, जब भी आप कोई कंप्यूटर खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है, कंप्यूटर का केवल हार्डवेयर मिलता है भाई, क्या मिलता है, आप कुछ भी लेने जाते हो तो कंप्यूटर का केवल क्या मिलता है, अब उस कंप्यूटर को आप घर पे लाओगे और लाने के बाद क्या करोगे, उसमें सॉफ्टवेयर डालोगे, क्या डालोगे, अब घर पे कंप्यूटर लाओगे लाके उसमें कभी विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो, कभी उसमें एमएस वर्ड कर रहे हो, कभी कोई पावर पॉइंट कर रहे हो, कभी कुछ और कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप डालोगे तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के आपका कंप्यूटर बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें उसी चिप में हार्डवेयर के साथ साथ आपका सॉफ्टवेयर भी डलाओ, एक ही चिप पर, किस पर, एक ही चिप पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ हो, तो उसको कहते हैं एम्बेडेड करना, एम्बेड करना, जोड़ना, क्या करना, हाँ। तो इस तरह के कंप्यूटर जिसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, एक ही साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पहले से ही डले होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता, हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर है हम क्या कर सकते हैं, तो बस दो लाइन लिख लो इसमें फटाफट, एम्बेडेड कंप्यूटर या एम्बेडेड सिस्टम किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, इन कंप्यूटर्स में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, इन कंप्यूटर में क्या होता है भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है,
ये कंप्यूटर्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं। बोलो किस पर कार्य करते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं। अरे कौन से सिस्टम पर कार्य करते हैं? अब ऐसा आपको आपके चारों ओर देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पर जो फायर अलार्म होता है ना सिस्टम, वो क्या करते हैं फायर वाले? मान लो आपकी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट लगाने, लाख दो लाख पांच लाख लेंगे, पूरी बिल्डिंग में फायर का सिस्टम लगा जाएंगे, ऑटोमेटिक कर जाएंगे, ना तो कोई सॉफ्टवेयर डालना आपको, ना निकालना है कोई, ना कोई वायरस आएगा, ना कुछ और। तो ये जो गाइडेड सिस्टम होते हैं, डेडिकेटेड सिस्टम होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एम्बेडेड सिस्टम। क्या कहते हैं? हाँ, यू कह सकते हो कुछ हद तक, कि जैसे एम्बेडेड चिप भी होती है आपके जो घरों में आप वॉशिंग मशीन काम में लेते हैं, तो उसमें ना तो आपको कोई सॉफ्टवेयर डालना है और ना कोई निकालना है, उस चिप के अंदर ही पहले से ही क्या आता है? फिक्स आता है। कौन फिक्स आता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो होता ही है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये हार्डवेयर है, इसी तरह से इसकी स्क्रीन है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, हार्डवेयर है, लेकिन ये चलते किसकी सहायता से है? तो एक तो हम सॉफ्टवेयर खुद डाले बाहर से, जैसे विंडोज डाल दिया आपने, एमएस ऑफिस डाल दिया, कोई एंटीवायरस डाल दिया, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले से डले होते हैं, और कई बार वो गड़बड़ हो जाता है, स्क्रीन नहीं दिखाई देती, नहीं चलती है, तो आप क्या कहते हो? सॉफ्टवेयर उड़ गया। क्या उड़ गया? तो ऐसे भी कंप्यूटर आते हैं जिसमें पहले से ही सॉफ्टवेयर उनके ऊपर चिपके रहते हैं, मतलब पहले से ही एम्बेडेड कर दिए जाते हैं, तो उसको स्पेशल नाम दे दिया, एम्बेडेड सिस्टम। क्या नाम दिया रहे? पक्की बात है, कर लोगे तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार से डिजिटल कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हाँ चलिए तो देखते हैं। अब अगले पार्ट में थोड़ा सा आपको समझना है केवल, जो कंप्यूटर किसके आधार पर है? बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। किसके आधार पर है? एप्लीकेशन के आधार पर। किसके आधार पर है? एप्लीकेशन के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? हाँ उनको बुला ले सर को। हाँ तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, इसके बाद अगला पार्ट लेंगे अपन, चिंता नहीं करें, जिसकी तुम्हारी इच्छा है, समझ रहा हूं मैं। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तीन भागों में। छोटा छोटा मैटर, फटाफट नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, लिखो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ज्यादा नहीं है। किसके आधार पर है? हाँ काम के आधार पर। किसके आधार पर भाई? काम के आधार पर। काम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो तीन प्रकार में सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। काम के आधार पर कौन से कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। तो लिखो एनालॉग कंप्यूटर में। अच्छा कई बार इसका हिंदी में पूछ लिया जाता है, हिंदी मतलब नाम ही हिंदी में देता है, हम कंफ्यूज रह जाते हैं, तो उसको हिंदी में लिखो अनुरूप अभिकलितर। क्या कहते हैं? अनुरूप। क्या कहते रहे? हाँ अनुरूप अभिकलितर। अभिकलितर क्या नाम है? हाँ अनुरूप अभिकलितर। क्या नाम है? हाँ अब देखो थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, एक बार आपने पहले सुना था। ये ऐसे वाले कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग है कि इस कमरे के अंदर टेम्परेचर है उसको माप लो भाई, थर्मामीटर से माप सकते हो, गाड़ी की स्पीड को माप लो, अच्छा रोड के साइड में जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं जिनको देख के गाड़ी का स्टीयरिंग भी ऐसे करने लग जाता है आगे पीछे, तो उनके पास जो वहां कंप्यूटर होता है वो स्पीड को मापने के लिए, एनालॉग कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, ठीक है? तो स्पीड को इसी प्रकार से जैसे पेट्रोल पंप है, क्या भाई
वहां पर एक मीटर लगा रहता है, वो सारे कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। तो इनका काम होता है टेम्परेचर को मापना, पृथ्वी पर जो दाब या प्रेशर है किसी स्थान पर उसको मापना, ऊंचाई लंबाई को मापना, दूरी को मापना, प्रतिरोध को मापना, विद्युत को मापना, ये इनका काम है। तो ये कंप्यूटर इनपुट के रूप में किसे लेते हैं, ताप दाब, जिसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल। कौन से सिग्नल, जो लगातार सिग्नल चलते रहते हैं उन सिग्नलों को क्या कहते हैं, अरे जो एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं उनको क्या कहते हैं, कौन से सिग्नल। तो ये इनपुट के रूप में किसे लेते हैं, एनालॉग सिग्नल को, और किसी को नहीं समझते। अरे किसको लेते हैं इनपुट के रूप में, और जो आउटपुट देते हैं ना वो अंकों के रूप में दे देते हैं। किसके रूप में दे देते हैं, और सिग्नल के रूप में भी दे देते हैं। तो दो लाइन लिख लो फटाफट, जल्दी से लिख लो। इन कंप्यूटर्स का उपयोग भौतिक राशियों, इन कंप्यूटर का उपयोग भौतिक राशियों, इन कंप्यूटर्स का उपयोग भौतिक राशियों के मापन, इन कंप्यूटर्स का उपयोग भौतिक राशियों के मापन मापन के लिए किया जाता है। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है भाई, जैसे ताप दाब ऊर्जा, अरे ताप दाब ऊर्जा, लंबाई चौड़ाई दूरी ध्वनि विद्युत, अरे बहुत सारी भौतिक राशि है आदि, प्रतिरोध वगैरह कुछ भी जो आपको भौतिक राशि दिमाग में। तो क्या लिखा, ताप दाब ऊर्जा लंबाई दूरी ध्वनि विद्युत आदि आदि के एनालॉग सिग्नल है, आदि के एनालॉग सिग्नल को इनपुट के रूप में लेता है। अरे किसके रूप में लेता है, हाँ आदि के एनालॉग सिग्नल को इनपुट के रूप में लेता है, हाँ आदि के यानी ताप दाब ऊर्जा दूरी ध्वनि विद्युत आदि के एनालॉग सिग्नल को इनपुट के रूप में लेता है, और आउटपुट अंकों में प्रदर्शित करता है। किसमें प्रदर्शित करता है, आउटपुट किसके रूप में शो कर देता है भाई, हाँ आउटपुट किसके रूप में। इसका मतलब यह हो गया कि ये एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिग्नल के आधार पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं, हाँ किसके आधार पर, कौन से सिग्नल, हाँ हाँ सिग्नल के आधार पर कार्य करते हैं। कौन से सिग्नल के आधार पर, एनालॉग सिग्नल के आधार पर, सिंबोलिक या सिंबल कह सकते हो आप, कौन से सिंबोलिक भाषा का यूज करते हैं, कौन सी भाषा का, सिंबोलिक भाषा का यूज करते हैं, कौन सी भाषा का यूज करते हैं, सिंबोलिक भाषा का। जैसे आपने ग्राफ कई बार देखते हो, तापमान ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ग्राफ ऊंचा हो जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे हो जाएगा। जो ग्राफ है वो एक तरह का क्या है, सिग्नल है, क्या है भाई, जो सिंबल के रूप में आप कह सकते हो सिंबोलिक भाषा। तो बोलो सिंबोलिक भाषा का यूज कौन से कंप्यूटर में किया जाता है, और एनालॉग सिग्नल का यूज कौन से कंप्यूटर में किया जाता है, बोलो जरा, एनालॉग कंप्यूटर में। तो लिख ले, इनका यूज आजकल बहुत कम हो गया है, नए के बराबर, इनका यूज बहुत ही कम हो गया है नए के बराबर। आपने जब शुरू में कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है, तो आपने डिफरेंशियल एनालाइजर की बात की थी, क्या, हाँ, जो डिफरेंशियल एनालाइजर था उसको यह माना गया था कि यह आज के एनालॉग कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। लेकिन जितनी भी ये, जैसे ये सौर ऊर्जा वाली घड़ियां हैं, स्पीडोमीटर है, तो ये सारे एक तरह से एनालॉग कंप्यूटर के छोटे एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इतिहास है वो लंबा पुराना इतिहास है, आजकल इन्हें बहुत कम ही यूज किया जाता है, और यूज भी किया जाता है तो केवल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा, ठीक है। तो लिख लो एक लाइन, इनका उपयोग, ये लिख लिया बहुत कम किया जाता है, तो लिखो जरा, इनकी गति कम होती है, इनका उपयोग तकनीकी क्षेत्र और वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है।
कौन से क्षेत्र में किया जाता है भाई? हाँ, तकनीकी क्षेत्र और वैज्ञानिक क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको याद रहेगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। उदाहरण लिखो, इसके लिखो छोटे छोटे उदाहरणों में थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है, वो क्या करता है, कैसे आपके मुंह में जाएगा या आपके शरीर के अंग को टच करेगा और सिग्नल पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? तो इसलिए किसके आधार पर काम करते हैं ये? हाँ, तो लिखो थर्मामीटर, लिख दिया क्या? दूसरा स्पीडोमीटर, गाड़ी में जो लगा होता है वो क्या करता है? हाँ, स्पीड जो टायर होता है ना, उसके साथ उसके वायर टच रहते हैं और उसकी गति को माप लेता है। तो क्या लिखा आपने बोलो? स्पीडोमीटर। कौन सा मीटर? अच्छा, वोल्टोमीटर। लिखो वोल्टोमीटर। ये क्या होता है भाई, किस बला का नाम है ये? जो धारा में विद्युत प्रतिरोध होता है ना, वी वाले चिन्ह वाला, वोल्टोमीटर। तो लिख लो वोल्टोमीटर, लिखा गया। और लेटेस्ट एग्जांपल जाते जाते देख लेना आप, घूर घूर के देखना जब पेट्रोल पंप पे जाओ तब। तो लिखो लिखो पेट्रोल पंप पर लगा हुआ मीटर, कौन सा मीटर? लेकिन एरोप्लेन में भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब एरोप्लेन हवा में उड़ती है तो वहां हवा का दाब और टेम्परेचर दोनों का मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो एरोप्लेन में लिख लो आप। तो बात समझ में आ गई, एनालॉग कंप्यूटर। मुख्य बात क्या पूछी जाएगी कि एनालॉग कंप्यूटर में कौन से सिग्नल काम में लिए जाते हैं? कौन से सिग्नल? एनालॉग सिग्नल। कौन से सिग्नल और कौन सी भाषा? बोलो सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सिंबॉलिक भाषा को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा का यूज कौन से कंप्यूटर में किया जाता है? अच्छा, एग्जाम्पल आपने अच्छे से पढ़ी ली। अगला लास्ट, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर? अच्छा, अभी आपने पढ़ा था सुपर, मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी, क्या थे ये? सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर थे। क्या थे? अरे सारे के सारे कैसे कंप्यूटर थे? हाँ, तो लिख लो आप, चार लाइनें, ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। ये सभी कंप्यूटर्स 0.1, ये सभी कंप्यूटर 0.1 के आधार पर कार्य करते हैं। किसके आधार पर कार्य करते हैं? 0.1 के आधार पर कार्य करते हैं, अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। कौन से नंबर सिस्टम का यूज करते हैं? हाँ, यानी डिजिटल, डिजिट कंप्यूटर में अपन कहें डिजिट 0101, केवल किसको समझता है वो? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो लिखो आप, हमारा लैपटॉप, हाँ एग्जांपल नहीं, केवल इसी में लिख लो एग्जांपल, तो आपको पता ही है चारों पांच। हमारा लैपटॉप कॉमा पीसी कॉमा डेस्कटॉप, पीसी कॉमा डेस्कटॉप कॉमा स्मार्टफोन, फोन है तुम्हारे हाथ में, आदि डिजिटल कंप्यूटर है, आदि डिजिटल कंप्यूटर है। यानी वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर है ना, उसमें 99% कंप्यूटर कौन से है दुनिया में? डिजिटल कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर है? हाँ। अब इनका यूज क्यों किया जाता है? जैसे आप मोबाइल का यूज करते हो, लैपटॉप का यूज करते हो, तो इनका मुख्य यूज होता है डाटा को सूचना में बदलना। किसमें बदलना? डिजिटल कंप्यूटर का मेन कार्य होता है कच्चे डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलना। किसमें बदलना? पिछली क्लास में बात की थी अपन ने कभी कि डाटा को सूचना में बदलने का कार्य कौन करता है? सीपीयू। तो लिख दो जरा, डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य कार्य है कच्चे डाटा को या रो डाटा को, रो डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलना। डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य कार्य है कच्चे डाटा को किसमें बदलना? हाँ, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में
बदलना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है भाई? हाँ अच्छा, सिग्नल कौन से काम में ले जाएंगे? डिजिटल सिग्नल जो कंटिन्यूअस नहीं होते, असतत होते हैं। कैसे होते हैं भाई? डिस्क्रिएट सिग्नल होते हैं, डिस्क्रिएट वेव्स होती है। तो आप कहोगे डिजिटल सिग्नल कंटिन्यूअस नहीं होते। डिजिटल सिग्नल क्या नहीं होते? हाँ कंटिन्यूअस नहीं होते, इनका उपयोग किया जाता है। अब बस लास्ट लास्ट आ जाओ आप, हाइब्रिड। कौन सा ब्रिड? हाइब्रिड कंप्यूटर। नाम से ही पता चल रहा है कौन सा कंप्यूटर है, हाइब्रिड। अब इसमें क्या किया गया देखो, जब साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि जब आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका तापमान तो माप लिया, और तापमान मापने के बाद उसने ग्राफ भी बता दिया कि भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसको डेंगू भी हो रखा है, बुखार भी आती है, साथ में मलेरिया भी चिपक गया। तो ये सारा जो मापन हुआ वो हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा अंकों के रूप में। तो यानी एक ऐसे कंप्यूटर की जरूरत पड़ गई जिसमें आप जो इनपुट दे रहे हो एनालॉग सिग्नल दे रहे हो, और रिजल्ट हमें किसमें चाहिए? डिजिटल सिग्नल के रूप में, संख्याओं के रूप में। किसके रूप में? क्योंकि सिग्नल तो आम आदमी समझ नहीं पाएगा, डॉक्टर तुरंत बता देगा भाई 104 डिग्री का बुखार है, कितने डिग्री का, हाँ, और भी जितने भी बॉडी की हलचल होती है वो सारी सीटी स्कैन वगैरह में सब में आ जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर बना दिए गए जिनमें आप इनपुट दोगे तो चाहे एनालॉग सिग्नल दे दो चाहे डिजिटल दे दो, दोनों ले लेंगे और रिजल्ट को भी दोनों ही टाइप से प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये स्पेशली यूज किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें भाई? हाँ चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर बना दिए गए जिसको हम शॉर्ट में कहें तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कहते हैं भाई? हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग, कौन से? एनालॉग प्लस डिजिटल, बस इतनी सी बात है। ठीक है तो लिखो आप जल्दी से लिखो, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर है एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर की संयुक्त कार्य प्रणाली। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर की संयुक्त कार्य प्रणाली। का उपयोग करके बनाए जाते हैं। किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? हाँ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की संयुक्त कार्य प्रणाली का उपयोग करके बनाए जाते हैं। यह कंप्यूटर ताप दाब विद्युत आदि के संकेतों, ये कंप्यूटर ताप दाब विद्युत आदि के संकेतों के साथ साथ है, ये कंप्यूटर ताप दाब विद्युत आदि के संकेतों के साथ साथ है, किसके साथ साथ है? हाँ संकेतों के साथ साथ संख्याओं के आधार पर भी कार्य करते हैं। किसके आधार पर? संख्याओं के आधार पर। किसके आधार पर? ताप दाब विद्युत आदि संकेतों के साथ साथ किसके आधार पर कार्य करते हैं? संख्याओं के आधार पर भी कार्य करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा है तो वो हाइब्रिड नहीं होगा क्या? हाँ तो सुपर कंप्यूटर खुद हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। कौन से कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर किस कैटेगरी में आते हैं बोला? हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में। और चिकित्सा के क्षेत्र में एग्जाम्पल के रूप में लिख लो ईसीजी मशीन। कौन सी मशीन? अल्ट्रासाउंड यानी एक्सरे मशीन लिख दो आप तो, ईसीजी मशीन कॉमा एक्सरे मशीन कॉमा सीटी स्कैन कॉमा सुपर कंप्यूटर आदि, ईसीजी मशीन कॉमा सुपर कंप्यूटर आदि हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। क्लियर है बात? तो बताइए हाइब्रिड कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग कहां किया जाता है?
चिकित्सा के क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग मौसम विभाग में, कौन से विभाग में? डिजिटल कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग आम लोगों के लिए, किसके लिए? हमारे लिए। तो ये तीन कैटेगरी याद करोगे। उसके बाद दो मैंने बताया था पर्पज के आधार पर, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। तो उसमें कुछ विशेष नहीं है, सामान्य तौर पे हम लोग जो काम में लेते हैं छोटे बड़े काम में, और कौन से कंप्यूटर होते हैं? जनरल। और जो स्पेशली किसी कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया इसरो वगैरह में प्रक्षेपण करना है, तो वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। क्लियर है? तो ये आपके कंप्यूटर के टाइप्स कंप्लीट होते हैं। फिर अगले संडे को आपको जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा उसको लेंगे, कंप्यूटर का सीपीयू वगैरह किस तरह से काम करता है, मेमोरी क्या है, जो आपकी इच्छा होगी वो क्लास लेंगे। और अभी नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे, इसी क्लास को यही विराम देते हैं, ठीक है? पानी पी के फटाफट आ जाओ। कर दिया क्या सर?